स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, द टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स। तो ये हमसे बोल रहा है कि 1 to 9 का यूज करके, 1 से लेकर के 9 तक की जो हमारे नंबर्स हैं उनका यूज करके हम कैसे थ्री डिजिट नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं, कितने तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, थ्री डिजिट नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए जो नंबर हमें चूज करने वो कहां से कहां तक है, ये है हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और देखिए थ्री डिजिट नंबर हमें चाहिए और कोई भी नंबर हमें रिपीट नहीं करना है। तो देखिए हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं जिनको हम चूज कर सकते हैं, वो हमारे पास 9 है। अच्छा कितने डिजिट का नंबर चाहिए, कितने डिजिट का नंबर चाहिए, तो R = 3। तो सिंपल हम जो परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है NPR, इसका हम यहां पर यूज करेंगे। और नहीं तो इस क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे हमने 7.1 के जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं, उस तरीकों से भी हम इस उस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो NPR हो गया, जहां पर N की वैल्यू क्या है, 9 है। कितने को चूज करना है, 3 को चूज करना है। ठीक है, 9 में से 3 को चूज करना है, 3 को चूज करना है क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। ओके, और NPR का बच्चों फॉर्मूला होता है N·(n-r)·। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये आपका 9·(9-3)। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9·(6)। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 9 × 8 × 7 और ये आपका 6·(6)। तो 6 हमारा कट जाएगा। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 72 × 7। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 504 वेज हो जाएगा। तो कितने तरीके होंगे थ्री डिजिट नंबर के को चूज करने के, 504 तरीके होंगे, 504 वेज होंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों जैसा कि ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। तो देखिए कोई भी अगर हमें फोर डिजिट नंबर अगर हमें बनाना है तो वो किसके थ्रू बन सकता है, वो हमारा बन सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं डिजिट्स के थ्रू बन सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के ही थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई फोर डिजिट नंबर हम क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी फोर डिजिट नंबर अगर बनेगा तो वो इन्हीं डिजिट्स के थ्रू बनेगा। तो अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि वो कितने नंबर ऑफ वेज हैं, कितने मेथड हैं जितने तरीकों से हमारा एक फोर डिजिट नंबर क्रिएट करा जा सकता है। तो देखिए द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस को सेलेक्ट करने के हमारे पास टोटल वेज कितने हैं। ठीक है, तो हम एक्चुअली यहां से चलेंगे क्योंकि देखिए ये जो आपकी फोर्थ प्लेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात को समझिए, फोर्थ प्लेस जो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि हम बेटा यहां पर जीरो नहीं रख सकते। अब देखिए कोई भी नंबर है, अगर आप उसको ये लिखो 0863 तो ये आप तो ये क्या पढ़ा जाएगा, 863 ही पढ़ा जाएगा। ये फोर डिजिट नंबर तो है नहीं, हम इसके साथ जीरो लगाएं या ना लगाएं तो ये आपका क्या बन जाएगा, थ्री डिजिट नंबर बन जाएगा। तो हमारे पास 0 to 9 में जो हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस हैं फोर डिजिट प्लेस के लिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने, 9 ऑप्शंस हैं। 0 to 9 अगर आप जाएंगे तो आपके पास ये 0 to 9 कितने डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स हैं। बट
लेकिन फोर्थ प्लेस को जब हमें चूज करना है तो हम वहां जीरो नहीं अलाउ कर सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, नाइन है। ठीक है, आप देखिए जब हमने कोई एक डिजिट चूज कर लिया है यहां पर, लेकिन यहां पर जीरो आपका आ सकता है, यहां पर जीरो आ सकता है, लेकिन जो भी आप यहां पर चूज कर चुके हैं वो नहीं आएगा, लेकिन यहां पर जीरो भी अलाउ है, तो यहां पर भी जो आपके पास टोटल ऑप्शंस जो अवेलेबल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, नाइन हो जाएंगे। ठीक है, बट जो आपका सेकंड प्लेस की अगर बात करें, सेकंड प्लेस की अगर हम बात करें तो यहां पर जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस होंगे, तो देखिए आपने आपने देखिए लेट से आपने क्या करा, यहां पर आप जीरो नहीं रख सकते हैं, जीरो नहीं रख सकते हैं यहां पर, तो आपने कोई भी एक डिजिट चूज कर लिया, मान लीजिए आपने नाइन को चूज कर लिया, तो सेकंड स्पेस पर क्या है, आपके पास नाइन ऑप्शंस अवेलेबल है, और सेकंड प्लेस में आपने क्या कर लिया, जीरो आपने चूज कर लिया। ठीक है, आपने जीरो चूज कर लिया, ठीक, जीरो चूज कर लिया, तो अब आपके पास जो थर्ड प्लेस है, सॉरी जो सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस है, यहां पर कितने अवेलेबल ऑप्शंस हैं, एट ऑप्शंस अवेलेबल है, तो एट आपने यहां पर रख दिया। अब एट में से, इन एट ऑप्शंस में से आपने कोई, जो भी आपने पर्टिकुलर चूज किया, तो वो ऑप्शन फर्स्ट प्लेस के लिए क्या हो गया, कम हो गया। लेट्स से आपने फोर को चूज कर लिया, तो अब आप फोर को आप यहां पर चूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटिंग टर्म नहीं होना चाहिए, जो फोर डिजिट टर्म, जो फोर डिजिट हमारा हमारा नंबर है उसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये कितने हो जाएंगे, यहां पर अवेलेबल ऑप्शंस कितने हैं, अवेलेबल ऑप्शंस यहां पर सेवन है, बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, नाइन इंटू एट इंटू सेवन। ठीक है, नाइन इंटू एट इंटू सेवन, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 81 इंटू 56, ये आपका हो जाएगा 4536 आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो अब देखिए हमें क्या करना है, थ्री डिजिट इवन नंबर चाहिए, तो थ्री डिजिट इवन नंबर होने के लिए क्या कंडीशन होती है, देखिए कोई भी थ्री डिजिट अगर इवन नंबर होगा तो उसका यूनिट प्लेस का जो डिजिट होगा वो हमेशा इवन होना चाहिए, तो हमें इनमें से ही चूज करना है। तो देखिए जो हमारे जो नंबर्स हैं, जो हमें डिजिट बनाने, डिजिट जो हम चूज कर सकते हैं वो कहां कहां से ले सकते हैं, 1 2 3 4 6 और 7। ठीक है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम ये ले सकते हैं यूनिट प्लेस पर, ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं, 2 4 6 के अलावा और कोई भी अगर हम डिजिट लेंगे तो वो फिर ऑड नंबर बन जाएगा। तो हमें जो कॉम्बिनेशन चाहिए, जो हमें पॉसिबल वेज चाहिए, वो किसके चाहिए, वो थ्री डिजिट इवन के चाहिए, तो थ्री डिजिट इवन के चाहिए। तो ये हमारे पास जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, जो हमारे पास टोटल वेज है, हम कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो यूनिट प्लेस पर का जो डिजिट है हम उसको कितने तरीकों से चूज कर सकते हैं, थ्री वेज से चूज कर सकते हैं, तो यहां पर हमने ये थ्री कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हमने कोई भी अगर हमने चूज कर लिया, मान लीजिए कि हमने टू को ही चूज कर लिया, तो डिजिट तो रिपीट नहीं होना है, तो ये आपका ऑप्शन एक खत्म हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो टेन प्लेस होगी, जो हमारा सेकंड प्लेस है, वहां पर जो डिजिट हम ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, 1 3 4 5 7। तो ये कितने वेज हैं, कितने पॉसिबल वेज हैं, ये हमारे पास 5 पॉसिबल वेज हैं। ठीक है, तो 5 वेज से ही हम चूज कर सकते हैं, या तो हम 7 चूज कर पाएंगे, या तो 6 चूज कर पाएंगे, या तो 4 चूज कर पाएंगे, या 3 चूज कर पाएंगे, या हम 1 चूज कर पाएंगे, इसके अलावा और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। तो ये आपका हो गया 5। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, थर्ड प्लेस की बात करें, तो थर्ड प्लेस के लिए भी अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो, अब हमारे पास दो ऑप्शन खत्म हो गए। मान लीजिए हमने फोर को ही चूज कर लिया था, चूज तो किसी को भी कर सकते थे, बट मान लीजिए कि हमने फोर को चूज कर लिया, तो अब हमारे पास ऑप्शंस कितने,
या तो 7 चूज हो पाएगा, या 6 हो पाएगा, या 3 हो पाएगा, या हमारा 1 हो पाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, तो 4 है। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग थ्री डिजिट इवन नंबर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 × 4, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 वेज आ जाएगा। तो यानी ये 60 क्या है, तरीके हैं। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर सच दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। तो देखिए यहां पर दो क्वेश्चन है, एक तो हमें टोटल नंबर्स का कॉम्बिनेशन बताना है और उसके बाद ये हमें बताना है कि कितने इवन नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं। पहले हमें ये बताना है कि टोटल कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं और उसके बाद वाले क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि केवल इवन नंबर्स कितने फॉर्म हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले हम ये वाला करेंगे कि टोटल कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आपका फर्स्ट प्लेस है, यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें 1, 2, 3, 4, 5 में से हमें चूज करना है, तो हमारे पास टोटल 5 अपॉर्चुनिटीज हैं। यानी कि हम यहां पर इन 5 में से कोई भी एक नंबर हम चूज करके रख सकते हैं। अच्छा, अब कोई भी डिजिट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, लाइक दैट कि अगर हमने 1, 2, 3, 4, 5 में से हमने मान लीजिए कोई भी एक चूज कर लिया, मान लीजिए हमने 1 अगर चूज कर लिया तो 1 अब दोबारा नहीं आएगा, यानी कि इस प्लेस में से कहीं पर भी 1 दोबारा नहीं आएगा। तो 5 के बाद जो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सेकंड प्लेस, तो देखिए सेकंड प्लेस का जो नंबर है हम 2, 3, 4, 5 में से ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर टोटल अपॉर्चुनिटीज हमारे पास कितनी है, 4 है। और द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थर्ड प्लेस, अगर हम थर्ड प्लेस की बात करें तो थर्ड प्लेस में अब देखिए मान लीजिए हमने 3 अगर हमने चूज कर लिया, तो 3 हमने सेकंड प्लेस पे अगर चूज कर लिया तो थर्ड प्लेस में आपका 2, 4, 5 में से कोई एक नंबर आएगा, 2, 4, 5 में से कोई एक नंबर आएगा, तो हम हमारे पास अब अपॉर्चुनिटीज कितनी, अब हमारे पास 3 चांसेस है, ठीक है, यानी कि हम 3 अपॉर्चुनिटीज में से, यानी 2, 4, 5 में से कोई भी एक फिल हम कर सकते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चांसेस जो हैं वो हमारे पास कितने, 3 हैं, ठीक है, तो 3 यहां पर आ गया। अच्छा, अब लेट से हमने 4 फिल कर लिया, तो अब तो हमारे पास 2 और 5 ही बचे, तो अब हमारे पास टोटल अपॉर्चुनिटीज कितनी है, 2 है, ठीक है। तो अब हम यहां पर हम अपना बाई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 डिजिट नंबर इज क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 120 वेज हो जाएगा, ठीक है, 120 क्या हो जाएंगे, तरीके हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर है। अभी हमें इवन वाला पोर्शन हमें करना है, ठीक है, ये हमें इवन के लिए हमें निकालना है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, तो इनमें से इवन केस कितने होंगे, तो ये हमें निकालना है। तो अभी हम फिर से सॉल्व करेंगे इसको, चलिए तो अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं, तो हम इवन के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो आपका फर्स्ट प्लेस है, हमारे पास इसमें 2 ही अपॉर्चुनिटीज हैं, 2 और 4 में से ही कोई हम एक नंबर चूज कर सकते हैं, तो यहां पर अपॉर्चुनिटीज हमारी 2 है, तो मैंने ये 2 लिख दिया। अब लेट से ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 या 4 में से कोई भी अगर हम एक चूज करते हैं, मान लीजिए हमने 4 चूज कर लिया,
तो अब हम यहां पर 1, 2, 3, 5 में से ही चूज करेंगे। 4 यहां पर दोबारा नहीं लिखना है। यहां पर भी आपके डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होंगे। टू अगर आ गया तो सॉरी 4 अगर आ गया तो मान लीजिए कि हमने अगले पे हमने 2 लिख दिया, ठीक है, अगले पर हमने 2 लिख दिया। तो अब देखिए हमारे पास टोटल अपॉर्चुनिटीज कितनी है। ये 4 को मैं अभी नहीं काट रहा हूं, ठीक है, सॉरी ये 4 है, 2 को मैं अभी नहीं काट रहा हूं, ठीक है, इसको मैं काट चुका हूं। अब इस 2 को लिखने के बाद, 2 को जब हम लिख रहे हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कितनी है, यहां पर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है 4, ठीक है 4। अब देखिए ये हमने 2 भी हमने हटा दिया। अब थर्ड प्लेस पे नंबर लिखने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कितनी है, अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास 3, ठीक है ओके। तो यहां पर से भी हमने उड़ा दिया एक नंबर, तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब बाई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, द टोटल टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 डिजिट इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2 × 4 × 3 × 2, ये आपका 48 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्संस इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग दैट वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन। तो देखिए हमारे पास क्या है, 8 पर्संस की टीम है, ठीक है, हमारे पास 8 पर्संस हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिए हैं, 8 मैंने क्या बना दिए हैं, 3, 3, 6, 7 और ये आपका 8, ठीक है। तो ये 8 आपके पास ब्लैंक्स हैं। अब देखिए 8 पर्संस में से हमें क्या करना है, 2 पर्संस को सेलेक्ट करना है और 2 पोस्ट हैं, एक है चेयरमैन की पोस्ट है और एक वाइस चेयरमैन की पोस्ट है। तो देखिए हमारे पास जो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, हम कितने तरीके से 2 लोगों को आउट ऑफ 8 हम चूज कर सकते हैं, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए क्या है, टोटल टोटल नंबर ऑफ पर्संस n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 8, द एप्लीकेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर द पोस्ट कितने चाहिए, हमें 2 लोग की जरूरत है, सॉरी ये आपका 2 हो गया। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया, R आपका हो गया 2, ठीक है। तो N आपका 8 है, R इज इक्वल टू 2 है। तो परम्यूटेशन का जो प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग, और देखिए यहां पर एक चीज ये भी है कि एक पर्सन 2 पोस्ट नहीं होल्ड कर सकता, को किसी एक पर्सन को 2 पोस्ट नहीं होल्ड कर 2 पोस्ट नहीं मिल सकती, यानी कि कोई एक पर्सन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं बन सकता है। तो देखिए ये आपके पास, मान लीजिए आपके पास नंबरिंग है, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये बेसिकली क्या है, 1 to 8 तक क्या है, ये आपके पर्सन्स हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम 8 को हमने कर दिया कि क्या, चेयरमैन बना दिया, और 6 को हमने क्या कर दिया, वाइस चेयरमैन बना दिया। तो
एक तो ये तरीका हो सकता है, 7 को और 5 को चूज कर सकते हैं, 4 और 3 को चूज कर सकते हैं, 2 और 1 को चूज कर सकते हैं, 1 और 8 को चूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम 2 परसेंट्स को चूज कर सकते हैं। तो इसका जो तरीका है, ये आपका n आपका 8 है, r इज इक्वल टू 2 है, तो परम्यूटेशन के प्रिंसिपल अगर हम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम npr यूज करेंगे यहां पर। तो npr आपका क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका कितना है, 8 है, और ये आपका p 2, 8 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। तो इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे यहां पर, तो ये आपका है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल अगर आपका कैंसिल आउट हो गया तो ये आपका कितना हो जाएगा, 56 वेज हो जाएंगे। तो 56 क्या हो जाएंगे, तरीके हो जाएंगे जिनसे हम क्या कर सकते हैं कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की पोस्ट को हम फिल कर सकते हैं। ऐसे कितने तरीके हैं, टोटल 56 तरीके हैं। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो हमें यहां से क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो देखिए ये जो आपका लिखा है, ये आपका एन माइनस वन पी थ्री अपॉन, मैं इसको लिख सकता हूं एन पी फोर इज इक्वल टू क्या है, ये आपका 1/9 हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे मैं एन पी आर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूंगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन, और ये आपका एन माइनस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन, और ये आपका क्या हो जाएगा, एनपीआर को मैं लिखूंगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। रीजन इसके पीछे मैं लिख दे रहा हूं, सिंस एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहां से ये हो जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन, और ये आपका हो जाएगा एन माइनस फोर फैक्टोरियल अपॉन, अपॉन में हमारा ये है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस फोर फैक्टोरियल। तो ये किसके इक्वल है, 1/9 के इक्वल है, तो एन माइनस फोर से एन माइनस फोर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू 1/9। ठीक है, अब देखिए, अब एन माइनस वन फैक्टोरियल है ये हमारा, तो इसे हम और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बट ये जो एन फैक्टोरियल है तो इसको मैं लिख सकता हूं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9। तो एन माइनस वन फैक्टोरियल से एन माइनस वन फैक्टोरियल आपका कट जाएगा, और यहां से हो जाएगा ये 1/n इज इक्वल टू 1/9। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको लेकर के चलते हैं हम लोग। तो ये आपका 5PR इज इक्वल टू, ये आपका 2 टाइम्स 6PR माइनस 1। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल, और देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स, ये आपका हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन, और ये आपका क्या हो जाएगा, 6 माइनस आर प्लस 1। ठीक है, या हम इसको एक स्टेप के बाद हम ये काम कर लेंगे, 6 माइनस आर माइनस, और ये आपका ब्रैकेट, और इसके बाहर फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें मैं ये रीजन लिख दे रहा हूं, सिंस एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये होता है, तो
तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिख लिया है। अब देखिए ये क्या है, ये आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू, और 6 फैक्टोरियल को लिखूंगा मैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, और ये आपका क्या हो जाएगा, इससे मैं लिखूंगा, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ये आपका है, देखिए माइनस साइन जब अंदर जाएगा इसके, जब इसके अंदर माइनस साइन जाएगा तो ये आपका 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहां से आप देखिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में हमारा क्या है, ये है 7 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हमारा खत्म हो जाएगा, और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या है, ये है हमारा 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो गया। और देखिए इसको और सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 माइनस आर, और ये आपका 6 माइनस आर, और ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 6 माइनस आर इंटू 7 माइनस आर इज इक्वल टू 12, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका 42, और ये आपका माइनस 6 आर माइनस 7 आर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 30 हो गया, ओके, इक्वल टू 0। अब देखिए इसको जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पर आप देखिए ये आपका आर स्क्वायर माइनस, ये कितना है, ये आपका है 13 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0 है। तो हम देखिए ऐसे हमको फैक्टर करने हैं कि आर के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये आपका कितना हो जाए, माइनस 13 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 30 आए। तो ऐसे हमें 30 के फैक्टर चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इक्वल्स टू 0, ओके। तो यहां से हम ले लेंगे r कॉमन, तो r माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका r माइनस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो केसेस बनेंगे, r माइनस 10 इंटू आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई थिंक यहां का कुछ पोर्शन मैं हटा रहा हूं इधर पे, तो देखिए दो केसेस बनेंगे आपके, एक तो आपका r माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और एक आपका r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 10 हो जाएगा जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, r इज इक्वल टू 10 को एक्सेप्ट हम इसलिए नहीं करेंगे, r विल ऑलवेज, जो आपका r आता है, आर आपका होता है वो आपका लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू एन होता है, ठीक है। जो आर आपका या तो आपका आर एन से छोटा हो सकता है, या आर आपका एन के इक्वल हो सकता है, एन से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहां पर आर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 3 जो है वो क्या है, वो हमारा आंसर है। इसको आप लोग नोट डाउन, अब देखिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 5PR is equal to 6PR minus 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम कर देंगे 5 factorial upon, और ये आपका हो जाएगा 5 minus R factorial is equal to, और ये आपका 6 factorial upon, और इसको मैं क्या करूंगा 6 minus, और ये आपका R minus 1, और इसमें हमारा हो जाएगा factorial, ठीक है। इसके पीछे रीजन हम लिख देंगे, सिंस एन पी आर इज इक्वल टू आपका होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपका 5
फैक्टोरियल अपॉन, और ये आपका 5 माइनस आर फैक्टोरियल, और इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन, और जब ये माइनस साइन इसके अंदर जाएगा तो ये आपका 6 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल। और देखिए ये आपका 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 अपॉन 7 माइनस आर, इसको ब्रेक करेंगे ये आपका 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो यहां से ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहां से हम r को कॉमन लेंगे तो r माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा r माइनस 9 इंटू आर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो केसेस आपके बनेंगे, एक तो आपका r माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको r इज इक्वल टू 9 हो जाएगा जो कि हम कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि r शुड बी लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, जो आपका r होता है वो या तो आपका n के इक्वल हो सकता है या n से छोटा हो सकता है, n से कभी बड़ा नहीं हो सकता r। तो यहां से r इज इक्वल टू 4 आपका आ जाएगा, यही आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ऑल द लेटर्स एग्जैक्टली वन। ठीक है, यानी कि जो इक्वेशन वर्ड के जो लेटर्स हैं उनके उनको क्या करा जा रहा है, साथ में ही लिखा जा रहा है। तो इसके जो टोटल परम्यूटेशन हो सकते हैं वो कितने परम्यूटेशन हो सकते हैं ये हमें निकालना है, यानी नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं कि हम इक्वेशन के जितने भी लेटर्स हैं उनको साथ में लिखें और कोई एक वर्ड बनाए। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इन सबको अरेंज कर सकते हैं, मतलब इधर का उधर कर सकते हैं, ई को लास्ट में कर सकते हैं, बीच में कहीं ला सकते हैं, इसी तरीके से क्यू को लास्ट में कर सकते हैं, बीच में कहीं ला सकते हैं। तो इस तरीके से कितने मीनिंगफुल और विदाउट मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, बस ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 8 है। अब ये बोल रहा है कि इसमें इसमें ऐसी यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है कि 5 लेटर वर्ड बनाना है या 2 लेटर वर्ड बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सारे वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं। जब हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन होता कि भाई इनमें से 4 ही लेटर्स का यूज करना है, मतलब 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो हम क्या करते कि हम 4 लेटर्स यहां से चूज कर लेते हैं। लेकिन अब हम जब वर्ड बनाएंगे तो हम सारे लेटर्स हम यूज करेंगे, मतलब एक बार हमने क्या किया, जैसे इसको हमने किया है ऐसा, और हम चाहें तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे लेटर्स लिख जाएंगे, फिर उसके बाद ओ इधर और कुछ भी अपना लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो चलिए, तो ये नंबर ऑफ जो वेज होंगे, जो मेथड होंगे, जो तरीके होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपके होते हैं, इसमें आपका हो जाएगा 8p8। ठीक है, 8p8 हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे क्या, 8 फैक्टोरियल अपॉन, और ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। ठीक है, रीजन हम ये लिख दे रहे हैं,
सिंस एन पी आर जो हमारा होता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो उसके कारण हमने इसको ऐसा लिख दिया है। अब देखिए 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल के बेटा वैल्यू 1 होती है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो ये जो हमारा टर्म है जिसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका 40320 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। यानी कि हम 4 लेटर्स को हम स्टार्टिंग में हम यूज करते हैं, तो 4 लेटर्स जब हम वर्ड मंडे की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी 4 लेटर्स को हम एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो 4 लेटर्स को ही हमें यूज करना है एट अ टाइम, हमें 4 लेटर्स को ही यूज करना है, ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। कि देखिए लेटर्स तो हमारे पास 6 हैं, वर्ड मंडे में 6 लेटर्स हैं, बट एट अ टाइम हमको 4 लेटर्स का यूज करना है। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ये आपका यहां पर n इज इक्वल टू 6 है और r इज इक्वल टू 4 है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, एन पी आर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये आपका 6p4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30। ठीक है, 30 और ये आपका कितना हो जाएगा, 12। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 360 वेज हो जाएंगे, यानी 360 क्या हो जाएंगे, तरीके हो जाएंगे कि हम 4 लेटर्स को चूज करके हम कोई वर्ड बना सकते हैं। तो 4 लेटर्स चूज करके वर्ड बनाने के जो तरीके हैं वो कितने तरीके हैं, वो 360 वेज हैं। अब चलिए देखिए सेकेंड पार्ट में जब करेंगे तो बोल रहा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो देखिए जब हमने फर्स्ट पार्ट करा था तो हमने आर को हमने 4 रखा था क्योंकि बोल रहा था 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो अब बोल रहा है ऑल लेटर्स जब हम यूज करेंगे, यानी सारे लेटर्स यूज करेंगे तो कितने यूज करेंगे, सारे यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे। तो यहां पर आर की जगह पर हम क्या करेंगे, 6 कर देंगे और ये आपका 6 हो जाएगा। अब हमारा वही लग जाएगा, हमने एन पी आर हमें पता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6p6। तो ये आपका 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो ये आपका 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 6 फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 6 इंटू 5 हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 720 वेज। यानी कि अगर हम सारे लेटर्स को अगर हम एक साथ अगर हम यूज करेंगे तो वर्ड बनाने के मीनिंगफुल नॉन मीनिंगफुल वर्ड बनाने के जो हमारे पास तरीके हैं वो कितने, 720 तरीके हैं, 720 तरीके हैं हमारे पास। तो चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है इसको हम प्रोडक्ट रूल से कर लेंगे बेसिकली। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए वो वॉवेल होना चाहिए। तो देखिए आपकी आपकी जो इंग्लिश की जो वर्णमाला होती है उसमें उसमें आपके दो टाइप के लेटर्स होते हैं, आपके कुछ लेटर्स आपके कॉन्सोनेंट होते हैं और कुछ लेटर्स आपके क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। तो वोवेल्स कितने होते हैं, ओनली 5 होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं और ये आपके होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है,
तो जब हम मंडे लिख रहे हैं तो यहां पर कौन से वॉवेल यूज हो रहे हैं, एक तो ओ यूज हो रहा है और एक आपका ए यूज हो रहा है, और बोल रहा है कि वॉवेल से ही शुरुआत करनी है। तो वॉवेल से शुरुआत करनी है, तो वॉवेल से अगर हमें शुरुआत करनी है तो जो पहला वर्ड आएगा वो वॉवेल आना चाहिए, दैट मीन्स या तो ओ आना चाहिए या तो हमारे पास ए आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर को चूज करने के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं वो कितने हैं, वो टू वेज हैं, ओके, कितने, टू वेज हैं, तो दो तरीके हैं। अब जो हमारा नंबर ऑफ वेज फॉर द सिलेक्शन ऑफ सेकेंड लेटर, तो सेकेंड लेटर को चूज करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, अब देखिए ये हमारे सिक्स में से हमने एक चूज कर लिया, तो हम अब हमारे पास ऑप्शन कितने अवेलेबल होंगे, फाइव ही अवेलेबल होंगे, तो यहां पर हम फाइव रख देते हैं, ठीक है। और अब देखिए दो लेटर्स हम चूज कर चुके हैं, तो यानी सिक्स में से दो कम हो गए तो अब कितने बचेंगे, चार बचेंगे, तो यहां पर थर्ड लेटर के लिए फोर हो जाएगा, इसी तरीके से फोर्थ लेटर के लिए थ्री हो जाएगा, फिफ्थ लेटर के लिए टू हो जाएगा, और सिक्स लेटर के लिए आपके पास ऑप्शन एक हो जाएगा। तो अब प्रोडक्ट रूल से क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका टू इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फोर्टी इंटू सिक्स, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 240 वेज आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 240 होंगे। स्टूडेंट्स टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू नॉट द फोर आईज नॉट कम टूगेदर। तो देखिए हमें इस वर्ड को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि जो फोर आईज जो यहां पर दिख रहे हैं, जो हमारे रिपीटिंग लेटर्स हैं, रिपीटिंग लेटर्स हमारे यहां पर क्या है, एस और एस आई और पी हैं, जिसमें आई आपका फोर टाइम्स रिपीट हो रहा है, एस भी आपका फोर टाइम्स रिपीट हो रहा है और पी आपका टू टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हमें ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे परम्यूटेशंस को हटा करके हमें बताना है कि कितने परम्यूटेशन है जिनमें ये हमारे फोर आई हमारे एक साथ नहीं आ रहे हैं। तो फोर आई जिनमें एक साथ आ रहे हैं उनको हटा करके टोटल पॉसिबल कितने परम्यूटेशंस बनते हैं ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें रिपीटिंग लेटर्स देख लेते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं आई, आई कितने टाइम्स आ रहा है, फोर टाइम्स आ रहा है, ओके। एस भी आपका कितने बार आ रहा है, फोर टाइम्स आ रहा है, और P आपका कितने बार आ रहा है, टू टाइम्स जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो देखिए ये हम करेंगे यहां पर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं यहां पर। आप यहां पर अगर आप देखें तो ये टोटल कितने लेटर्स हैं, ये आपका थ्री, थ्री सिक्स, थ्री नाइन और टू इलेवन, ठीक है। तो इलेवन लेटर्स हैं हमारे पास, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका इलेवन फैक्टोरियल डिवाइड बाई, और ये जो रिपीटिंग लेटर्स हैं इनसे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका फोर फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। देखिए ऐसा बेटा इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए अगर ये जो रिपीटिंग लेटर्स हैं, अगर ये आपका एस, अगर मान लीजिए यहां वाला एस यहां आ जाए और यहां वाला एस भी यहां आ जाए, तब हमारे वर्ड में तो कोई चेंज आने वाला है नहीं, वर्ड हमारा वही का वही रहना है। और लेट से कि आपका ये वाला आई इधर शिफ्ट हो जाए और ये वाला आई इधर शिफ्ट हो जाए और ये वाला पी आपका इधर शिफ्ट हो जाए और ये वाला पी आपका इधर शिफ्ट हो जाए,
तो जो आपके जो डुप्लीकेट परम्यूटेशंस होते हैं, तो डुप्लीकेट परम्यूटेशंस जो होते हैं उनको हमें, वो हमारे कई बार आते हैं बट उन्हें काउंट एक ही बार किया जाता है। तो काउंट एक ही बार करने की वजह से हम क्या करते हैं, ये जो हमारे टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो होते हैं इनमें से हमारे जो रिपीटिंग जो होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, जो रिपीटिंग होते हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो जो लेटर हमारा जितने बार रिपीट हो रहा होता है उसको इतने बार से हम डिवाइड कर देते हैं, उसको उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारा आई हमारा 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, एस हमारा 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, पी हमारा 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल × 2। ठीक है, 2 फैक्टोरियल को 2 ही कर देते हैं तो ये आपका 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल आपका कट जाएगा। और इस 4 फैक्टोरियल को मैं लिख लेता हूं, ये मैं लिख सकता हूं 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो 4 × 2 हो करके पूरा पूरा 8 कट जाएगा। और देखिए 3 × 2 इसको मिला करके पूरा क्या हो जाएगा, 6 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 110 हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा, 63 हो गया, और 63 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, सॉल्व इसको कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 34650। ठीक है, तो इतने हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसके 4 आईज के पॉसिबल अरेंजमेंट्स निकालेंगे। तो अब देखिए द अरेंजमेंट ऑफ 4 आईज कम टुगेदर, जिसमें 4 आईज हमारे एक साथ आते हैं, वो हम पहले पॉसिबल केसेस निकाल लेते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 4 आई नॉट कम टुगेदर जब हमें निकालना होगा तो ये जो 4 आई वाले जो केसेस हैं ये हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम यहां पर ये हमारा जो लेटर है मिसिसिपी, तो इसमें सबसे पहले हम 4 आई वाले केसेस हम एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो 4 आई हमने एक साथ ले लिए। अच्छा, ये कितना 11 लेटर वर्ड्स है, तो अब हमारे पास कितने कितने लेटर्स और होंगे, 3 3 6 और ये आपका 7। ठीक है, तो ये 3 और ये 4। तो देखिए ये जो 4 आईज हैं इनको मैंने क्या कर दिया, एक बॉक्स में अरेंज कर दिया, एक बॉक्स में रख दिया। तो अब देखिए ये एक बॉक्स में आ गया, तो इस बॉक्स की पोजीशन को मैं शिफ्ट करूंगा तो ये चारों क्या हो जाएंगे, ये चारों आपके एक साथ हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं, ये जो आपके 4 को अगर मैंने एक बॉक्स में रख दिया तो ये चारों ही क्या हो जाएंगे, एक साथ शिफ्ट होंगे। तो अब देखिए ये आपका पूरा एक लेटर है और इसके अलावा ये क्या है, 7 लेटर्स हैं, तो ये आपके कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अब हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं, 8 लेटर्स हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, और इसमें हमारे रिपीटिंग कितने हैं, रिपीटिंग है हमारे कितने, ये आपके हैं, ये आपके 4s है और 2p है। ठीक है, तो ये आपका 4 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये आपका 8 × 7 × 8 7 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, और ये कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल × 2, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो गया। तो 4 फैक्टोरियल से कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे आपका 3 टाइम्स चला जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 56 × 15। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 6 जा 90, तो 90 का 0 आ जाएगा, 15 5 जा 75 और 9 कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, तो ये कितने हो गए, ये आपके 840 केसेस हो गए जिसमें आपका क्या आ रहा है, आई एक साथ आ रहा है। ठीक है, अब देखिए द केसेस, इन विच
फोर आईज नॉट कम टुगेदर, ऐसे केसेस जिसमें जो आपके चार आई हैं, जो आपके आई हैं, फोर आईज हैं, वो एक साथ नहीं आते हैं, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल केसेस हमने कितने निकाले थे? 3, 4, 6, 5, 0, और फोर आई जिनमें एक साथ आ रहे हैं वो टोटल केस कितने? वो हमारे हैं 840, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 33, आपको मिल जाएगा 33810, ठीक है? तो ये आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन कैन बी अरेन्ज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, ठीक है? तो जो हमारे वर्ड्स हैं, जितने भी हमारे पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं, वो सारे के सारे क्या हों? वो पी से स्टार्ट हो और एस से उनकी क्या हो? एंडिंग हो। तो देखिए, पी और एस, ठीक है? पी से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, एस से एंड हो रहा है, ठीक है? अब देखिए, पी और एस के बीच में कितने लेटर्स हैं? तो ये आपका 3, 3, 6 और ये आपके 4, 10 लेटर्स हैं। ठीक है, तो ये आपके कितने हैं? टोटल आपके 10 लेटर्स हैं, ठीक? ओके, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसका फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। तो देखिए, अब जो हमारे वर्ड्स बनेंगे उनका फर्स्ट लेटर पी और एंड लेटर एस फिक्स है, तो अब जो भी हम अरेंजमेंट करेंगे तो पी और एस के बीच में ये जो 10 लेटर्स हैं, बस इन्हीं को अरेंज करना है और किसी लेटर को अरेंज नहीं करना है, ठीक है? तो ये हमारे टोटल कितने? 10 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल। इन लेटर्स के बीच में एक रिपीटिंग भी है, तो रिपीटिंग कौन सा है? 2 है, ठीक है? तो टी है, तो टी को अरेंज करने के जो मेथड हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसके 2 मेथड्स हैं, ठीक है? तो ये आपका 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब देखिए, इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो ये आपका 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है? डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल को हम 2 ही लिख लेते हैं, ये आपका कितना हो गया? 2 से 2 कट गया। अब देखिए, ये आपका कितना हो जाएगा? 10 × 9 आपका 90 हो गया, और 8 × 7 कितना हो जाएगा? आपका 56 हो जाएगा, और 6 × 5 = 30, चौको 120, 360, ये आपका × 360। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 18,14,400, तो ये आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है? वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, ठीक है? सारे वॉवेल्स जो हैं वो क्या हैं? वो एक साथ हैं। तो इसके लिए देखिए, हमें क्या करना होगा? पहले तो मैं ये वर्ड मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये आपका क्या है? पर म्यू टी शंस, ठीक है? तो परम्यूटेशंस। अब देखिए, इसमें मैं वॉवेल्स देख लेता हूं, तो वॉवेल्स हमारे कौन से होते हैं? वॉवेल्स हमारे होते हैं ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल्स होते हैं। तो वॉवेल्स मैं देखता हूं इसमें, तो ये आपका क्या है? ये आपका ई हो गया, यू हो गया, ए हो गया, आई हो गया और ओ हो गया, ठीक है? तो ये आपके जितने भी वॉवेल्स होते हैं सारे के सारे अवेलेबल हैं, ए ई आई ओ यू, ये सारे वॉवेल्स अवेलेबल हैं। तो सारे इन सबको मैं क्या करूं? एक साथ कर देता हूं, तो ये आपका ई यू ए आई ओ, ठीक है? अब देखिए, इनको छोड़ करके कितने लेटर्स अवेलेबल हैं हमारे पास? इनको छोड़ करके कितने लेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं?
ओके, तो इनको छोड़ करके देखते हैं कितने लेटर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 4 5 और ये आपका 6 7, ठीक है। तो टोटल टोटल इनके अलावा जो आपके AU AIO, ठीक है, EU AIO के अलावा जो टोटल लेटर्स हैं वो हमारे पास कितने, 7 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा एक लेटर हो गया, तो इसको हम 1 मानेंगे, और इसके अलावा कितने हैं, 7 है, तो ये आपका हो जाएगा 8 लेटर्स हो गए, ठीक है। अब हमें कितने अरेंज करने हैं, 8 लेटर्स को अरेंज करने हैं। अच्छा, अब देखिए ये हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 8 है, तो आपका 8 फैक्टोरियल, ठीक है, 8 फैक्टोरियल हो गया। और इसमें जो रिपीटिंग है वो कौन सा है, वो टी रिपीटिंग है। टी हमारा क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसमें एक बात ये देखने वाली है कि ये जो वॉवेल्स जो है हमारे, वॉवेल्स जो आपस में है, जो 5 वॉवेल्स हैं, 5 वॉवेल्स को भी हम कितने, 5 फैक्टोरियल वेज से हम अरेंज कर सकते हैं। तो इन वॉवेल्स के अंदर, जो बॉक्स के अंदर जो वॉवेल्स हैं, इनको भी आपस में अरेंज हम कर सकते हैं। तो इनको अरेंज करने के जो मेथड्स हैं वो कितने, 5 फैक्टोरियल है, ठीक है, 5 फैक्टोरियल है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × और अपॉन में क्या है, 2 हो गया। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 120 होती है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप 120 आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20 × 3 × 60 × 2, कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। तो 120 मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया है। अब देखिए यहां पर ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, ये आप सिंप्लीफाई करके जब आप लिखोगे तो ये आपका 56, और ये आपका कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, चौको 120, 360, तो ये आपका 360 × इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, और इसके साथ अब आपका 120 आपका और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपना आंसर चाहो तो यहीं पर छोड़ सकते हो, नहीं तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये आपका 18144 और 00, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट, इसका लास्ट वाला समझते हैं। तो ये बोल रहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, तो पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स क्या होने चाहिए, होने चाहिए, ठीक है। तो अगर देखिए पी की पोजीशन अगर हम यहां रख रहे हैं, ठीक, पी को अगर हम यहां रखते हैं तो एस हमारा इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि एस हमारा किसमें, अगर पी अगर फर्स्ट पोजीशन पर है तो एस को क्या हो जाएगा, 5th पोजीशन पर होना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, दोनों के बीच में 4 लेटर्स आ पाएंगे, ठीक है। बट मैंने क्या किया है, इसको मैंने सबसे किनारे लिया है, सबसे किनारे लिया है, और एक दूसरा केस मैंने ले लिया है कि पी यहां और यहां पर, पी यहां पर और एस यहां पर। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, बीच से भी आप ले सकते हैं, कि लेट सपोज अगर आप यहां से, अगर आप यहां से आप करें और फिर P की और S की अगली पोजीशन आप यहां कर दें, लेकिन फिर क्या करना होगा कि पहले आपको आगे जा करके फिर पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन से लेंगे तो फिर हमें हमें जो टोटल पॉसिबल केसेस जो काउंट करने के लिए, हमें सिर्फ यहां से एक ही बार आगे की ही तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, और जब आपको आगे भी शिफ्ट होना पड़ेगा और पीछे भी शिफ्ट होना पड़ेगा तो उसमें कंफ्यूजन के चांसेस आपके थोड़े से बढ़ जाएंगे। इसलिए जो एग्जैक्ट पोजीशन आप लें वो आप यहां से लें तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, एक तो ये आपका मेथड हो गया, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया जिसमें पी की पोजीशन मैंने ये रख दी और एस की पोजीशन ये रख दी, और इन दोनों के बीच में 4 लेटर्स आ सकते हैं। अब देखिए मैं अगर इस P को अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो ये P अगर यहां आ गया तो ये S भी क्या होगा, अब यहां पर आएगा, अब इस पोजीशन पर शिफ्ट होगा, तो ये क्या हो गया हमारा, एक अगला केस हो गया, ये 1 हो गया, 1 हम इसमें और ऐड कर दे रहे हैं, नेक्स्ट केस, यानी कि ये 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं P की पोजीशन को यहां कर दूं तो S भी आपका क्या हो जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा,
तो ये आपका हो गया, एक और हो गया। अब अगर मैं इसको यहां से यहां कर दूं, ठीक, तो इसको अगर मैं यहां से यहां शिफ्ट कर दे रहा हूं, तो आपका जो s है वो भी तो यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है, तो एक आपका और केस हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको यहां से यहां कर दूं, p को यहां से यहां कर दूं, तो आपका s भी क्या हो जाएगा, यहां से यहां आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कितने हो गए, 3 to 5, ठीक है, 3 to 5 हो गया। अब क्या हो गया कि p अगर आपका यहां से यहां आ गया, तो आपका जो s है वो भी आपका यहां से यहां आ जाएगा। ये आपका नेक्स्ट हो गया, ये आपके 6 हो गए टोटल। अब देखिए, जब p आपका इधर से इधर शिफ्ट होगा, तो आपका s जो है वो आपका यहीं पर आ पाएगा और इसके आगे नहीं हो सकता है। तो ये आपके टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये टोटल हो गया आपका 7। लेकिन जो आपका p और s का जो अरेंजमेंट है, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि s पहले रख सकते हैं, p बाद में रख सकते हैं, यानी कि s की पोजीशन यहां कर दें और p की पोजीशन यहां कर दें, यानी कि दोनों s और p को आपस में रिवर्स कर सकते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये आपके 14 केसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके 14 केसेस हो गए। अब जो 4 लेटर्स वाली जो बात कर रहा है, तो देखिए, अगर इसमें अगर हम P और S की पोजीशंस अगर इस तरीके से करते हैं, P और S की पोजीशन इस तरीके से करते हैं कि इन दोनों के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए, तो यानी P अगर हमारा शिफ्ट होगा, तो उसके रिलेटिवली क्या होगा, S भी की भी पोजीशन उसी के पैरेलल में शिफ्ट होगी, ठीक है, उसी के रिलेटिवली S की पोजीशन शिफ्ट होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, P और S को अरेंज नहीं करना है, P और S के अलावा बाकी जो जितने लेटर्स हैं उनको अरेंज करना है। तो उनको अरेंज करने के जो मेथड्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल इनटू, और ये आपके 14 केसेस हो जाएंगे अपॉन, और यहां पर आपका 2 क्या है, T आपका रिपीटिंग है, तो इसको हम कर देंगे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका 7 हो गया, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 241920 आ जाएगा, जो कि आपका क्या है, आंसर है, इसको नोट डाउन।